हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ यिप्पी, जिसे हर एज ग्रुप के लोग बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो आइए देखिए इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यिप्पी बनाने के लिए मैंने ये 2 पैकेट यिप्पी लिया हुआ है, ये 1/2 कप प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 कप टमाटर जिसे बारीक काट लिया है, 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 3 हरी मिर्च जिसे बारीक काट लिया है, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून नमक या स्वादानुसार नमक ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून तेल और ये मसाला है मैजिक। तो चलिए यिप्पी बनाने शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई में ये तेल डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल देती हूँ और इसे जला देती हूँ। प्याज को धीमी आंच पर सॉफ्ट होने तक पका लें और बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब मैं ये हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, इसे चला देती हूँ। अब मैं ये टमाटर डाल दे रही हूँ, अब ये नमक डाल देती हूँ जिससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब मैं ये शिमला मिर्च डाल देती हूँ और इसे चला देती हूँ। शिमला मिर्च को 1 मिनट और कुक कर लूँगी। शिमला मिर्च कुक हो गया है, अब मैं इसमें ये पानी डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया हुआ है। अब ये टेस्ट मेकर डाल दे रही हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर, सोया सॉस और ये मसाला मैजिक। अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दे रही हूँ और ढक्कन डाल के इसको उबाल आने तक पका लेती हूँ। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा, अब मैं ये इसमें ये यिप्पी डाल दे रही हूँ। और इसे चला देती हूँ। अब आज धीमी करके इसे पका लेती हूँ। यिप्पी को मैंने बीच बीच में चलाते हुए 4-5 मिनट कुक कर लिया है और ये पूरी तरीके से कुक हो गई है। ये देखिए अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और इसे एक डिश में निकाल लेती हूँ। यिप्पी बनकर तैयार है, आप इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।